गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग हरे कृष्ण। आई होप सो कि सब अच्छे हो। और तो अभी थोड़ी सी मुझे जल्दी है, सो चलो चलते हैं। पर पता नहीं कहाँ जाना है, सो चलो। तो सुबह मैं ट्यूशन गई थी और कोहरा देखो कितना ज्यादा है। सो ट्यूशन आने के बाद वहां पे मैं जहाँ पे गई थी उसके आने के बाद मैंने थोड़ा सा मूवी देख लिया। ये अवतार मूवी है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है एंड मैंने इसका लास्ट तक देखा ही नहीं। तो मैंने अपना मूवी कंप्लीट ही नहीं किया क्या, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। मैंने सोचा कि सस्पेंस रहने देते हैं और कल देखेंगे। सो बस इतना ही। और आजकल कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, और इसका थोड़ा डेकोर बाकी है पर अभी मन नहीं है सो मैं नहीं करूंगी। सो बस इतना ही। और अभी तो पढ़ाई पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि शायद 17 जनवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा। सो बस इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एंड थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है सो थोड़ा सा ज्यादा ही करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। और मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने मैगी का पैकेट उठाया, ये मैंने कट किया, आलू एंड पोटैटो जो भी बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गार्लिक फ्राई किया एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा यूँ आलू को भून लिया एंड उसके बाद ही मैंने उसको थोड़े के ऊपर पानी दे दिया। एंड मैगी को मैं पूरा नहीं खा सकती क्योंकि ये बड़ा पैकेट था, तो मैंने आधा रख दिया, आधा नहीं बस थोड़ा सा रख दिया जो कि मैं बाद में कभी खा लूंगी। एंड उसके बाद मैंने मसाला डाला, ये जितने भी सॉसेस थे मैंने वो डाल दिया। तो टेस्ट लाइक गुड, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे तो काफी बेटर है, मैंने तो इतना अच्छा सोचा भी नहीं था। ऑल द बेस्ट रिमू, अच्छा है। मैं ही हूँ मैं अपने को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, क्योंकि कोई नहीं है और हमारे घर में तो कोई मैगी खाता भी नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। तो बस तो पढ़ाई करते करते मैंने छोटा सा चॉकलेट ट्रीट लिया, उसके बाद रात होने के बाद मैंने अपने कंघी किया, क्रीम लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पर नाचती हुई, मैं हुस्न परी मैं जाने चाहा, सबसे हंसी मैं सबसे जवां। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करना और सपोर्ट के लिए थैंक्स।